नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी को पता था, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ समय पहले जेल में थे, जिसके बाद से उनको इंटरिम बेल दी गई थी कि आपको जो है चुनाव चल रहे हैं जिस तरीके से, तो चुनाव के बेस पर अरविंद केजरीवाल को बेल दी गई थी। लगभग 20-22 दिन की बेल थी, जिसके बाद उनकी बेल जो है 1 जून को समाप्त हो जाएगी। और लेकिन जिसके बाद केजरीवाल की तरफ से एक बयान आया है और उसको सुधीर चौधरी ने किस तरीके से विश्लेषण करा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये इम्पोर्टेंट है। पहले तो देखिए कि सुधीर चौधरी किस तरीके से बताता है कि जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी इंटरिम बेल, जो उनकी जमानत पे बेल पर आए हुए हैं, उसको बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जब गुहार लगाते हैं, सुधीर चौधरी बोलते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वजन 7 किलो घट गया है, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि केजरीवाल का कहना है कि वे बहुत बीमार हैं और उनको इंटरिम बेल में जो है 7 दिन बढ़ाने चाहिए, मतलब उनकी इंटरिम बेल में 7 दिन बढ़ाने चाहिए ताकि वे जो है कैंसर और किडनी का टेस्ट करा सकें। अब सुधीर चौधरी इसके आगे कहते हैं, असल में केजरीवाल को उम्मीद है अगर 4 जून को गलती से भी इंडिया गठबंधन सरकार बनने में कामयाब हो जाती है कि नई सरकार के आते ही अपनी समर्थन की कीमत पर कि अपने सारे केस बंद करवा लेंगे और वर्क फ्रॉम जेल से होने की नौबत ही नहीं आएगी। इस तरीके से सुधीर चौधरी विश्लेषण करते हुए बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल को वो 7 दिन की बेल क्यों चाहिए, कि जब अगर गलती से भी इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो जिसके बाद केजरीवाल जो है अपने सारे केस रफा दफा करवा देंगे। इस तरीके से सुधीर चौधरी विश्लेषण के लिए बताते हैं कि 7 दिन की इंटरिम बेल जो केजरीवाल लगातार मांग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि मुझे 7 दिन की और बेल चाहिए, इस कारण केजरीवाल को 7 दिन की बेल चाहिए, ऐसा सुधीर चौधरी बताते हैं। जिसके बाद केजरीवाल काफ़ी दिन जो है जेल के अंदर भी रहे थे, जिसके बाद केजरीवाल का 7 किलो वजन जो था वो घट गया था और जिसके बाद केजरीवाल की तबीयत भी खराब रहनी शुरू हुई और केजरीवाल की तबीयत खराब होने के कारण ही उन्होंने इस तरह की मांग की है। लेकिन सुधीर चौधरी जी का तो विश्लेषण इस तरीके से आ जाता है कि ये जो है केस ही बंद करवा देंगी, मतलब जो है, हालांकि जो है अरविंद केजरीवाल का बयान भी आया था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो मुझे जेल जाने की नौबत नहीं आएगी। हालांकि जो है देखिए प्रक्रिया पूरी तरीके से होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा केस और सारे मामले की सुनवाई होगी, आगे जो निर्णय आएगा वो तो भाई भविष्य की बात है, पर लेकिन इस तरीके से पहले ही ये प्रिडिक्शन करना कि 7 दिन की बेल ही इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार आती है फिर उन्हें जेल में जाने की नौबत नहीं आएगी, पर लेकिन उनकी तबीयत भी खराब है, इतने समय से सुनने में आ रहा है कि केजरीवाल की तबीयत खराब है, ये भी तो एक फैक्टर है ना, इसे भी तो देखिए, अब तबीयत सही हो जाएगी आगे की प्रक्रिया तब देखी जाएगी। हालांकि सुधीर चौधरी के ऐसे विश्लेषण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय भी हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।